Good morning, kids. How are you all? I hope you all are fine at home. Today we will learn U ki matra. U, इसे हम बड़ा U भी कहते हैं. U, ये इसकी मात्रा का साइन है. इसकी मात्रा ऐसे लगाई जाती है. U की मात्रा. ये जिस भी वर्ण के साथ जुड़ती है उसके अंत में U की आवाज आती है. लॉन्ग साउंड. जब हम छोटे उ की मात्रा की बात करेंगे तो शॉर्ट साउंड आती है. जब हम बड़े उ की मात्रा लगाते हैं तो वही साउंड, वही आवाज लंबी हो जाती है. उ, आइए समझते हैं कैसे. क, कु, ख, खु, ग, गु, घ, घु, च, चु, छ, छु, ज, जु, झ, झु, ट, टू, ठ, ठू. आपने सुना कि कैसे उ की मात्रा जब अंत में लगाई जाती है तो उससे कैसी लंबी आवाज आ रही है. जब हमने यही छोटे उ की मात्रा ऐसे लगाई थी तो वो बना था कु, और ये है कु, 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 कुछ, कूच. आप अंतर समझ पा रहे होंगे. सिमिलरली ड, डू, ढ, ढू, प, पू, फ, फू, ब, बू, भ, भू, म, मू, य, यू, र, रू. ये देखो बेटा, र पर कभी भी यहाँ मात्रा नहीं लगाई जाती है. हमेशा उसके बीच में मात्रा लगाई जाती है. कभी आप उसके फुट पे नहीं लगाओगे, ऑलवेज उसकी टमी में लगाओगे. कैसे लगाओगे? र आपने लिखा और ऐसे. ये है बड़े उ की मात्रा. अगर आप ऐसे लगा रहे हो र लिख के, सिर्फ ऐसे टेल निकाल रहे हो, वो है छोटे उ की मात्रा. ये है बड़े उ की मात्रा. आपको ये डिफरेंस हमेशा याद रखना रहेगा. ल, लू, व, वु, श, शु, श, शु, स, सु, ह, हु. हम हर एक वर्ण को लंबा खींचकर बोलेंगे बड़े उ की मात्रा में. ठीक है, अब हम बड़े उ की मात्रा के कुछ शब्द कर लेते हैं. फू, ल, फूल. धू, ल, धूल. खूब, खूब. धूप, धूप. लू, ट, लूट. आप देख रहे हो मैं लॉन्ग साउंड बोल रही हूँ, लंबी आवाज खींच कर. झटके के साथ नहीं बोली जाएगी ये आवाज, इस आवाज को आपको लंबा खींचना रहेगा. भू, त, भूत. ख, जू, र, खजूर. सू, र, ज, सूरज. क्या होता है सूरज? सन. खजूर, खजूर क्या होती है? डेट. दू, ध, दूध, मिल्क. त, र, तर, बू, ज, तरबूज, वाटरमेलन. तो ये थे कुछ बड़े उ की मात्रा के शब्द. आई होप आपको बड़े उ की मात्रा बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी. स्टे होम, स्टे सेफ, बाय.